बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नेम है दी अल्टरनेटिंग करंट। अब इसका जो है टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। एसी की जो फेज है उसके बारे में हम डिस्कशन करना जा रहे हैं। अब एसी की जो वैल्यूज है किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो इस फॉर्मूले के जरिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह रिप्लेसमेंट में हमने लिखा है थीटा। अब थीटा क्या चीज है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इस थीटा को ही हम फेज ऑफ एसी का नाम देते हैं। अभी थीटा या फेज होता क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फेज क्या है वहाँ पर पहली बात यह एक एंगल है। ये क्या है एंगल है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं ये बता सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या बता सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की या वोल्टेज की क्या हो करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट टी टाइम टी के अंदर क्या होगी वो इस फेज एंगल थीटा के जरिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका डेफिनेशन आ चुकी है। अगर हम ग्राफिकली एक पॉइंट को क्लियर करते हैं तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या है हमने जो पिछले टॉपिक में एक ग्राफ पढ़ा था उसके मुताबिक हमारे पास क्या है एक साइनसोइडल वेव बनाई है। उसके बाद हमने पॉइंट ए बी सी डी के पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए ठीक है। अब पॉइंट ए पे 0 बी के ऊपर पाई बाय 2 सी के ऊपर पाई डी के ऊपर 3 पाई बाय 2 और ई के ऊपर 2 पाई ये हमारे पास क्या है फेज है। ये वापस क्या है फेज है जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे पास जो आने वाली वैल्यू है पोटेंशियल या करंट की वो क्या आएगी मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। जो हमारा टाइम टी है मेटा टी का प्रोडक्ट हमारे पास फेज थीटा के इक्वल आ। अच्छा अब ये ना हमारे सिंपली फेज तो ये अगर हम टर्म यूज करें क्या सकते हैं एंगल जो है उसे तो हमें फेज का नाम दे देते हैं जो कि डिसाइड करेगा हमारे पास कि जो हमारे पास आने वाली वैल्यू है पोटेंशियल और करंट की वो मैक्सिमम आ रही है मिनिमम आ रही है या क्या आ रही है। अब इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद फेज के बाद हमारे दूसरा पॉइंट है फेज लीड लैग और फेज लीड। फेज लैग क्या होता है और फेज लीड क्या होता है। अच्छा अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं मतलब ये ग्राफिकली चीजों से हटके तो प्रैक्टिकल देखें वहां पर जो फेज डिफरेंस है जो वहां पर फेज डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट होता है वहां पास एब्सोल्यूट वैल्यू से। वहां पर जो फेज डिफरेंस है वो क्या है इंपॉर्टेंट है ज्यादा किससे जो एब्सोल्यूट वैल्यूज आ रही है जो स्टैंडर्ड वैल्यूज आ रही है उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है वहां उनका जो आपस में गैप आ रहा है फर्क आ रहा है वो सकते हैं। अब इसीलिए आज अगर हम देखते हैं इस पॉइंट को फेज लैग और फेज लीड को अगर समझना चाहें तो फिगर 2 और फिगर 3 से हम समझ सकते हैं इजीली। कोई टफ नहीं है ये इतने ही आसान है चीज का बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा सबसे पहले अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जो चीज है हमारे पास क्या हमने इसको कहां से कैसे स्टार्ट करना है ये चीज देखिए। सबसे पहले ये हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है ये चीज ये स्टार्ट करना है यहाँ पे वैल्यू आ गई है ये हमारे पास 0 यहाँ पे आ गई है पाई बाय 2 यहाँ पे फिर आ गई है तो 3 पाई बाय 2 और अगर तो यहाँ पे आ गई है सॉरी यहाँ पे आएगी 2 पाई यहाँ पे आएगी 2 पाई यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और जब यहाँ पे दोबारा आ जाएगी तो ये आ गई हमारे पास 2 पाई ठीक है। लेकिन अब बात ये है हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट इस तरह से मूव करना है काउंटर क्लॉकवाइज तो उसके मुताबिक हम ऐसे मूव करें कैसे मूव करेंगे ऐसे ये चीज हम मूव करेंगे। अब जब हमें इस पॉइंट पे आते हैं इसके आगे इसको डिस्कशन करनी है कि यहाँ पर वहां क्या वैल्यू आ रही है हमें पॉइंट ए दो वेव बनाइए हमें क्या करना है डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस मालूम करने के लिए दो वेव लिए एक ब्लू और एक हमने लिया रेड। ब्लू जो है उसको हमने 1 का नाम दे दिया और जब रेड है हमने उसको 2 का नाम दे दिया। अब जब ब्लू है वो 0 से स्टार्ट कर रही जो ब्लू है वो क्या कर रही है 0 से स्टार्ट कर रही है। अब जब 0 से स्टार्ट करेगी तो फिर 0 के बाद क्या करेगी हमारे पास पाई बाय 2 0 के बाद पाई बाय 2 अब पाई बाय 2 के बाद हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट पाई फिर पाई के बाद क्या आएगा जी 3 पाई बाय 2 ठीक है। ये ब्लू के जो ब्लू है वो ऊपर हमने उसकी वैल्यू लिखी है ये ब्लू 0 यहाँ पे
ब्लू की इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है पाई बाय टू, ब्लू की इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है पाई, ब्लू की इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे क्या वैल्यू है थ्री पाई बाय टू, ब्लू की टू पाई ई पे वैल्यू इस तरीके ए बी सी डी ई के व्यास। अब इसी तरह जो दूसरी रेखा टू वो स्टार्ट हो गई यहाँ पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है थ्री पाई बाय टू, ये नीचे जो लिखी है जो रेफरेंस लाइन से नीचे है वो रेड है थ्री पाई बाय टू, बी पॉइंट पे इसकी वैल्यू है जीरो पाई बाय टू, मतलब इधर से स्टार्ट हो रहा है अभी से वहां से है स्टार्ट हो रहा है, अब यहां से स्टार्ट हुआ फिर क्या करेगा वो इधर से किधर जाएगा जीरो पे, इधर से किधर जाएगा जीरो पे, अच्छा जीरो पे गया है फिर उसके बाद वो मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा क्या है पाई बाय टू, फिर पाई फिर थ्री पाई बाय टू इक्वल है टू पाई। अब ये मैंने वैसे थोड़ा सा बेसिक उसका पॉइंट को क्लियर किया। अब अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जीरो वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास क्या थ्री पाई बाय टू वैल्यू, यहाँ पे क्या है ब्लू के लिए वन के लिए हमारे पास जीरो है, यहाँ पे क्या है थ्री पाई बाय टू, मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वन वाली वो यहाँ पे है और जो टू वाली है वो यहाँ पे, तो वन वाली आगे है और जो हमारा टू वाली है वो पीछे है। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कितना पीछे है तो टू पाई माइनस थ्री पाई बाय टू करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी जो क्या आएगी पाई बाय टू, जो क्या आएगी पाई बाय टू। वैसे भी अगर हम कभी देखें हमारे पास जो वन वेव है उसकी जो वैल्यू है वो क्या थी 90 है, उसकी वैल्यू क्या है 90, और जो दूसरी वैल्यू रेड वाली टू वेव वाली है उसकी वैल्यू क्या है जीरो, तो ब्लू वाली जो वन वेव है जो वन वेव है वो पाई बाय टू मतलब 90 एकड़ से ज्यादा है, तो 90 एकड़ से ज्यादा है वेव टू से। अब इसी तरह जब पॉइंट सी पे आए यहाँ पे क्या हमारा पाए, यहाँ पे क्या है पाए ब्लू वेव वन की वैल्यू और जो रेड है जो वेव टू है उसकी वैल्यू वो पाई बाय टू, इन दोनों में फिर जो डिफरेंस है वो क्या है पाई बाय टू आपका डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से हर पॉइंट के ऊपर ए बी सी डी ई एफ हर पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वेव टू है उसकी वैल्यू पाई बाय टू क्या होगी कम होगी, पाई बाय टू वैल्यू क्या होगी कम होगी, मतलब कम वैल्यू है तो हम कहेंगे कि हमारे पास तो यहाँ पे है वेव टू लैग कर रही है पाई बाय टू टू वेव टू लैग कर रही है वेव वन से, वेव टू जो है वो लैग कर रही है मतलब पीछे है, किसका पीछे है पाई बाय टू किससे पीछे है वेव वन से, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट और तीसरा वेव टू पाई बाय टू पीछे है वेव वन से, ये बाबा इसका जवाब देगा। ये हो गया वेव लैग मतलब कि कोई चीज एक वेव दूसरी वेव से कितना पीछे है उसको वेव लैगिंग का नाम देते हैं, वो फेज लैग आ रहा है कितना वापस है फेज का फर्क आ रहा है पाई बाय टू आ रहा है, और अगर तो कम आ रहा है तो वो फेज लैग, ये बाबा पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा जो जिसमें रेड यहाँ पे थी वेव टू थी यहाँ पे भी रेड वेव टू है और ब्लू वेव वन थी यहाँ पे ब्लू वेव वन है, अब हमने क्या किया यहाँ से पापा जो ब्लू है वो क्या थी जीरो, वो क्या थी जीरो हमारे पास, अब जीरो से यहाँ पे हम जाएंगे जो पॉइंट बी है पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट ई, अब ए पॉइंट के ऊपर जो जीरो मतलब हमारे पास वेव वन है वो जीरो वैल्यू है और जो वेव टू है उसकी क्या वैल्यू है पाई बाय टू, पॉइंट बी के ऊपर वेव वन की वैल्यू पाई बाय टू है और वेव टू की वैल्यू पाई है, यहाँ पे भी पाई बाय टू मतलब 90 के एंगल से ज्यादा है वेव टू, यहाँ पे पीछे थी यहाँ पे क्या है ज्यादा, यहाँ पे पाई बाय टू कम है पाई है ज्यादा है डबल है, और इसी तरह से हर पॉइंट के ऊपर ए बी सी डी ई यहाँ पे वेव टू जो है वो ज्यादा है पाई बाय टू की वैल्यू के लिहाज से किससे वेव वन से, तो यहाँ पे हमारा लीड जो यहाँ पे क्या होगा लीड लीड होता है कितनी ज्यादा, तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखते हैं तो वेव टू लीड कितना लीड कर रही है पाई बाय टू,
वेव टू से एरो क्या कर रही है, लीड कर रही है पाई बाय टू, किसको लीड कर रही है, वेव वन, यहाँ पे लैग कर रही पीछे थी, लीड कर रही है मतलब आगे। तो ये हमारे पास पॉइंट आता है कि एक वेव दूसरी से कितनी कम है तो वो लैग है, कितनी ज्यादा है तो वो लीड है, सिंपल। और फेज मतलब उसके बेड है, तो इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है और किस तरफ ज्यादा मतलब ये आगे को क्योंकि क्या मतलब जब ये यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर हमने क्या की, इसको हमने यहां से यहां मूव की, तो इस तरह से हम इसको यहां पर मूव करना चाहिए था, तो इसको इस तरह आना चाहिए मतलब नीचे को आना चाहिए जबकि ये नीचे को नहीं आया। तो इसको नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर करते हैं कि इसको हमने कैसे क्लियर करना। अब हमने कहा हमने इन दोनों को क्लियर किया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेक्टर मेथड को यूज करना, क्योंकि डायरेक्शंस को यूज कर रहे हैं, एंगल्स को यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है वेक्टर के जरिए से रिप्रेजेंट करना। तो वेक्टर के जरिए से रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरीके का यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड यूज करें, ग्राफिकल, और किस तरह से मूव करेंगे जब काउंटर फ्लो। अब इसके बाद हमारे पास इसको वर्किंग करने के लिए तीन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तीन पॉइंट्स को कौन से हमने वो देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्टेन स्केल होना चाहिए, सर्टेन स्केल हो, सर्टेन स्केल का मतलब ये, अगर मैं इसको क्लियर करूं कि मतलब यहां पर इसकी वैल्यू लगी हो कि यहां पर इसकी वैल्यू 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, फिर ऊपर हम स्केल बनाओ और खास डिफरेंस जिस तरह ग्राफ बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसके मुताबिक हम क्या करें उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करें कि इसके मुताबिक कितनी वैल्यू होगी। सपोज हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 है 2 है 3 4 5 6 यहाँ पर 1 जो हमने स्टैंडर्ड लाइन सेलेक्ट की है इसका मतलब 2 वोल्ट, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब 12 वोल्ट, यहाँ पे आएगा तो मतलब 6 वोल्ट। मतलब हमने क्या करना है सर्टेन स्केल सेलेक्ट करना है, जो लेंथ होगी वो उस वैल्यू की आर्बिट्रेटिंग वैल्यू जो है उसको डिसाइड करें कि ये क्या है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सर्टेन स्केल हो जो रिप्रेजेंट करे कि इसको पीक वैल्यू और ट्रू पीक की वैल्यू को आर्बिट्रेटिंग क्वांटिटी की आर्बिट्रेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हम स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट होगी हमारा सर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से स्टार्ट हो, ठीक है। सर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्टार्ट हो रही है रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, लेकिन हम देखते हैं रेड वाली लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट है नहीं हो रही, तो इसमें क्या क्या हो इस केस में, उन्होंने कहा उसे एट ए स्टेट वेन द ऑर्डिनरी क्वांटिटी जीरो, जब जीरो या फिर क्या हो इंक्रीज हो रही हो पॉजिटिव, या क्या हो रहा हो इंक्रीज हो रही हो पॉजिटिव, मतलब उसकी वैल्यू कम ना हो रही हो, उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए जहाँ जब उसको स्टार्ट है। तो अगर यहाँ पर हमने स्टार्ट किया कि ये तो जीरो है, ये तो समझ आओ ये जो लाइन वेव टू है इसको अगर हम यहाँ से इधर को जा रहे हैं तो इसको क्या होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए इंक्रीज, तो 3π/2 था इसमें π/2 हमने ऐड किया तो 2π, इसमें क्या आएगा 2π आएगा, और अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो फिर बार बार क्या आएगा पाई आएगा, जबकि हमने कहा ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, लेकिन हमने कहा उसे इंक्रीज होना चाहिए पॉजिटिवली, इसलिए हमने इसे इस पॉइंट पर मूव किया, फिर हमारे कॉलेज का नेक्स्ट पॉइंट पे क्लियर करते। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ये अगर हम इसको ऐसे मूव करवाते हैं तो इसको क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारे समझ आ गई, ठीक है, हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट किया पाई आ गई, तो इसको क्या आना चाहिए हमारे पास जीरो की टाइप टू पाई आ जाती है, तो हमारे दोनों पॉइंट इस लाइन से क्लियर होते हैं कि उसको इंक्रीज होना चाहिए पॉजिटिवली इंक्रीज होना चाहिए, नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज नहीं होने चाहिए जब हम इसको स्टैंडर्ड वाइज है स्टार्ट करें। इसका जो अगला पॉइंट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है रोटेटिंग वेक्टर की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आगे हमारे पास मेगा वो रोटेटिंग वेक्टर की वो सेम हो किसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो भी हम यूज करें, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी और उसकी जो फेज है वो दोनों क्या हो सेम हो ताकि ग्राफिकली प्लॉट करके उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब अगर हम इसी तरह से देखते हैं बाबा ब्लू जो है वो वोल्टेज को शो कर रही है और आई करंट जो है वो रेड लाइन के थ्रू से रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज वी है, वोल्टेज वी है वो क्या कह रहे थे हमारे पास लीड कर रहा है करंट आई को, वोल्टेज वी मतलब अगर इसको यहाँ पे लिखो वी जो है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है पाई बाय टू, वोल्टेज वी लीड कर रहा है पाई बाय टू, किसको लीड कर रहा है करंट आई, मतलब वोल्टेज की वैल्यू पाई बाय टू ज्यादा होगी करंट आई से। अगर मैं तो दूसरी
लिख सकता हूं कि हमारे पास जो आई है, जो आई है वो लैगिंग कर रहा है, पीछे है, लैग पाई बाय टू किसको कर रहा है, वी को। आई जो है वो लैग कर रहा है, पीछे है, पाई बाय टू वैल्यू दे रहा है किसके, वी। इसलिए आज तो आप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखें इसको बेटर कि जब ये रिप्रेजेंट करता है तो आपने क्या करना है कि आप में ये ग्राफ बना दें, ठीक है। मैं जो वहां पे एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्या हमने जो करंट आई है उसको हॉरिजॉन्टली या एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया और जो वी है उसको हमने वर्टिकल रिप्रेजेंट किया और ये जब मूव कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, यहां पे आई यहां पे वी, इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो क्या आएगा हमारे पास 90 का। और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ओ आई ओ वी, वेक्टर ओ आई वेक्टर ओ वी, इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या आ रहा होगा हमारे पास 90 का आ रहा है। और इसी तरीके से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस रहेगा वो 90 ही रहेगा। और स्टैंडर्ड स्केल के मुताबिक इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, वो हम उस अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, काफी नेक्स्ट चला, अगले लेक्चर में मिलते हैं।